से जगन्नाथ धाम, से श्रीक्षेत्र, से पुणी शंख क्षेत्र। हेले शंख क्षेत्र रे काहीके बाजेनी शंख आपण केबे जानिबाकु चेष्टा करिछंती कि? शंखरे महालक्ष्मी बास करिथंती। एही शंख वादन द्वारा वातावरण शुद्ध होइथाय। एही शंख प्रतिदिन महाप्रभु श्री जगन्नाथक पूजा रे व्यवहृत होइथाय। विविध पूजा मानक ठारु आरंभ करि त्रिकाल पूजा पर्यंत बिना शंखरे महाप्रभुंकर कोनोसी नीतिकांति होइनथाय। हेले काहीकि बाजेनी श्रीमंदिर रे शंख? आज भी एही कारण कु नै गुजब उठे। हेले आपण केबे एहार रहस्य विषय रे जानिबाकु चेष्टा करिछंती कि? आज भी श्रीमंदिर रे शंख बाजे। आपण हुए तो एहाकु विश्वास करिवेनी, किंतु एहा पूरा सत्य। बिना शंखरे प्रभुंकर कोनोसी नीतिकांति मध्य हेबा दूरर कथा। प्रभुंक पाई नैवेद्य मध्य अर्पण होइनथाय। प्रत्येक दिन आज भी प्रभुंक पाई शंखर वादन चलिछि। शंख बिना प्रभुंकर कोनोसी नीतिकांति मध्य होइ पारिनथाय। श्रीमंदिर रे आसन सुधिठु आरंभ करि समस्त पूजा परे अर्घ्य पूजा पाई शंखर आवश्यकता होइथाय। शेषरे सेही शंख जल देई महाप्रभुंक पाई पूजा होइथाय। प्रत्येक दिन महाप्रभुंक पूजा रे तीनोटी शंखर आवश्यकता पड़िथाय। हेले कथारे अछि शंख बाजेनी काहीकि? महाप्रभुंक पाखरे शंख प्रतिदिन बाजिथाय। प्राचीन कालरु प्रथा रहिछि। श्रीमंदिर रे शंख बाजुथिला, हेले कालक्रमे अनेक प्रथा लोप पाई जाइछि। शंखाकार संप्रदाय लोप पाइबा हेतु शंख बाजिबा बंद हो जाइछि। किंतु अनेक समय रे श्रीक्षेत्र को नै अनेक गुजब मध्य उठिछि। परंपरा अनुसारे शंखुआ संप्रदाय लोप पाइगलेणि, किंतु सर्वदा आज भी महाप्रभुंक पाई शंखर लोड़ा रहिछि। शंख जलरे प्रभुंक पाई नैवेद्य समर्पण होइथाय। महाप्रभुंक रत्न सिंहासन हेउ कि रथ उपरे हेउ, बिना शंखरे प्रभुंकर कोनोसी नीतिकांति होइनथाय। महाप्रभु निजे श्रृंगार समय रे हातरे शंख धरिथांति। ए हेउछि शंखर उपासना क्षेत्र। केमिति अबा एठारे शंख न बाजिबो? ए हेउछि कालकालर उपासना स्थल, महाप्रभुंकर पवित्र धाम। शंख नाभि मंडल रे से विराजमान करिथांति। ब्युरो रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।